वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को कोविड-19 के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किए गए धनराशि की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वित्त मंत्री ने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में कोविड के रोकथाम के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए धनराशि की समीक्षा की और उनके अव्यय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। और किसी का आप सीएमओ से भिजवाइए आपका। ओके सर, यहाँ पे भी उनको कहा जाएगा सीएमओ को, आप भी उनका बिल नहीं भेजा है। यहाँ पे जाने के बाद एक या दो दिन में उसका भुगतान हो जाता है, तो आप भी और ना कोई कोई बिल अभी आया नहीं है। और कल आपका काम मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर तो काफी रेमडेसिविर अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूट है कहीं पीजीआई और केजीएमयू आपके पास रेमडेसिविर बहुत लिमिटेड अवेलेबल है, जरा बताए जो आपके नो सर 262 जो आप भेजोगे वो हम मानते हैं मौखिक रूप से आप क्या कह रहे हो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। पीसी की आपकी 56 की रिपोर्ट आई है और हमारी सॉरी अबाउट दैट डिस्क्रिपेंसी सर, बट एक्चुअली आपकी इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है तो सूचना भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नो नो आई विल शो दैट सर, आई विल शो दैट यस। केजीएमयू सर नमस्ते सर, तो वो क्यों नहीं आया सॉरी सर जी उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि वो मीटिंग में नहीं कोविड हॉस्पिटल में। दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि आप जो मीटिंग हो रही है मंथली मीटिंग में नहीं आएंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है।